रतला विधानसभा के गांव गढ़खेड़ा में सरपंच व उसके परिवार पर गांव के ही मौजूदा पंचायत मेंबर सहित अन्य कई लोगों ने सुबह हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। गांव के लोगों ने दो पक्षों में गंभीर झगड़ा देख पुलिस को फोन कर दिया। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया और घायलों को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। पीड़ित पक्ष की माने तो पीड़ित पक्ष का कहना है कि पहले भी मेंबर की तरफ से सरपंच पर हमला हो चुका है, जिसका मामला कोर्ट में है। आने वाली 29 तारीख को फैसला होगा, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने हम पर राजीनामा का दबाव बनाते हुए यह झगड़ा किया है। हालांकि इसकी शिकायत थाना छायसा में कर दी गई है, पर पीड़ितों का कहना है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हम पहला केस चल रहा हो ना, उसकी वजह से फैसले के चक्कर में जवाब दे इसकी दे। हुआ क्या? हुआ का हमला कर दिया। कम से कम हमारी झगड़ा हुआ है, गांव गढ़खेड़ा में हुआ है। ये पहले लास्ट ईयर 30 अप्रैल को मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने वारदात की थी, जिसमें मेरे पिताजी के दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए और सर में चोट थी, जिससे मेरे पिताजी की जान बड़ी मुश्किल से बची है और जिसमें इनमें 307 लगी हुई है, आर्म सेक्ट लगी हुई है इन पर। ये उस और इस केस की जो गवाही है, बहस की गवाही है वो 31 को है, इसी 31 को इस चीज़ का दबाव बनाने के लिए, फैसला करने के लिए इन्होंने अचानक आके घर पर हमला कर दिया। ये बार बार बीच बीच में दबाव बनाया इन लोगों ने, पर हमने एक ही बात बोली थी कि जैसा तुम लोगों ने करा है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जो तुम्हें सजा कोर्ट देगा वो कोर्ट देगा, हमें कोई मतलब नहीं। आज सवेरे गढ़खेड़े गांव से है, कोई आपसी रंजिश के कारण कोई झगड़ा हुआ है, जिसमें से 6 लोग यहां पर उपचार के लिए पहुंचे सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में, जिनमें से सबको फर्स्ट एड देकर आगे बीके के लिए रेफर कर दिया गया है और उनकी वहाँ पर उचित कार्रवाई की गई।